हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली लॉन्ग हेयर पाने की और हेयर ग्रोथ की बहुत ही अच्छी रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ पानों की पत्ते। तो पानों की बहुत सारा क्वालिटी होती है। मैंने यहाँ पे लिया है बांग्ला पान, और पानों के जैसे नागा पान होते हैं, मीठा पान होते हैं, तो इसे लेके अच्छे से धो लेना है। मैंने यहाँ से 6-7 पत्ते लिए हैं, और इसकी जो डंडी होती है उसे छुटा दीजिएगा। और अब इसे हम कर लेंगे पेस्ट। तो बस इस पर आपको अच्छे से पेस्ट कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि विंटर है, विंटर में हम लोग बार बार शैम्पू नहीं करते, गर्म दिन के हिसाब से शैम्पू कम ही करते हैं। तो इसलिए पानी एक दिन थोड़ा डाल दीजिए, कि पानी जितना अंदर में ऑब्जर्व करेगी तो अच्छी होगी हमारे हेयर के लिए। तो बस पेस्ट तैयार है बिल्कुल, और इसे अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो देखिए, इसे मैंने थोड़ा पानी पानी रखा है। हाँ जी हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होती है लगाने में, तो इसके लिए नीचे एक प्लेट रख लेना है कि नीचे गंदा ना हो। उसके बाद पानी पानी जो है उसे अच्छे से लगा लेना है, और अच्छे से हमें मसाज करना है। जितना हो सके हेयर मसाज करेंगे तो उतना ही अच्छा है, और पूरे बालों पे लगाना है गाइस, बहुत अच्छा है। और जहाँ पे बालों की जो हम लोग की मेन जो होती है, जहाँ पे हम लोग पफ करते हैं, वहाँ से बाल थोड़ा ज़्यादा ही गिरते, तो वहाँ पे भी लगाना है। बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ होगी। अगर इस प्रोसेस को आप लोग महीना में एक बार ट्राई करो तो बहुत अच्छी है। लेकिन बालों को अच्छे से मसाज करना है हम लोग को जितना हो सके, तो बहुत अच्छी हेयर गाइस। इससे हेयर सिल्की होती है, हेयर में शाइनी पन आती है और स्मूथ होती है, और बहुत अच्छी आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी, और थोड़ा बाल झड़ना भी बहुत जल्दी कम होगी। लेकिन आप लोगों को महीना में एक बार अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप लोग हेना के साथ भी मिलाकर इसे लगा सकते हो। तो उसके बाद लगाने के बाद, मसाज करने के बाद, ठंडे पानी से मैंने पहले एक बार धोया है बाल को, उसके बाद ही शैम्पू किया है। तो देखिए गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा।